Yes, are we connected? Yes, namaskar, namaskar everyone. Hello, hello, hello. Tomorrow is Parshuram Jayanti, not today. Namaste, namaste, namaste. Hi, hi everyone. Hi Neha, hi Lavanya, hi Rekha. So I'm seeing lots of messages from Facebook. Excellent. And there is Periscope. I hope YouTube is connected. Yes, YouTube is just getting connected. Connectivity is good. Yes. So what do we talk today? So I thought we'll talk about mythologies, you know, some of the, from around the world, you know, one of the oldest stories of, you know, what is the purpose of mythology is something that one must always remember. You know, mythology exists to explain the world to us. So it has two purposes. It will explain step one, it will explain why the world exists. And second, why do you exist? So these are ये जो हम mythology के बारे में बात करते हैं पहले ज़माने से आ गया है. इन कहानियों की खासियत केवल ये है कि वो ये बताती है कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई और आप क्यों जीवित हैं. ये दो प्रश्न. पशुओं को ये प्रश्न में इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है. कोई पशु बैठ के नहीं सोचता है कि दुनिया की शुरुआत क्यों हुई. पशु अपने लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए और अपने को अपने शत्रुओं से बचाने के लिए वो जीवित रहता है, और वो जीवित रहता है उसके बाद मर जाता है. वो अर्थ नहीं ढूंढता, लेकिन मनुष्य जो है वो अर्थ ढूंढता है. और चूंकि हम अर्थ ढूंढते हैं, हमें कहानी की आवश्यकता होती है. तो ज़िंदगी का मकसद क्या है? अभी देखिए, लोग घर में बैठे हुए हैं, पूरी दिन बैठ के हम सोच रहे हैं कि हम कर क्या दें ज़िंदगी भर. अगर आप देखें घर में बैठ के सुबह से शाम तक, प्राइमरी नीड क्या है? आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो और उसके बाद टॉयलेट जाते हो. और सचमुच में करने की आवश्यकता नहीं है. चूंकि खाना है इसलिए किचन होता है. अभी किचन में सामग्री लाने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है. मार्केट से सामग्री लाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए जॉब चाहिए. तो जॉब, हम जब जॉब की बात करते हैं, मतलब खाने के बारे में करते हैं, हम खाने के लिए जॉब करते हैं. तो जितना भी अमीर आदमी है, लास्ट में वो पैसा कमाता है केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए. लेकिन उसके साथ, क्योंकि उसके पास जब बहुत पैसा आ जाता है तो उसको लोग इम्पोर्टेंस देते हैं और वो इम्पोर्टेंस पसंद करता है. तो जिस इससे उससे उसे अर्थ मिलता है. तो घर में बैठते समय अभी हमें ये ध्यान और दर्शन करना चाहिए कि हम जीवित किसके लिए हैं, हम अर्थ कहाँ से पाते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ. तो आज हम इसके ऊपर ज़्यादातर बात करेंगे, अर्थ के ऊपर. और जैसे मैंने एक प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि ये हमारे भारत में ये पर्पस का कॉन्सेप्ट नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मकसद है, ऐसे कुछ नहीं है. ये ज़्यादातर जब हम उपनिषद पढ़ते हैं और उपनिषद पर ध्यान देते हैं, तो आप देखोगे कि वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से पूछेंगे जीवित रहने के लिए. ये जो हमारे भीतर जो भूख है, उसके ऊपर सब पूरी जितनी भी जो उपनिषद में मिलता है, ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण, फिर बृहदारण्यक उपनिषद में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी कहानी मिलेगी वो भूख के बारे में होगा, भय के बारे में. केवल ये दो चीज़ों के ऊपर इतना डिटेल, इतनी स्टोरीज मिलती हैं वहाँ पे. फोकस उसी के ऊपर होता है. और कहानी इसलिए जब हम देख, इसलिए आप जब आपकी ज़िंदगी को आप देख रहे हो, अर्थ दे रहे हो, तो हमें याद रखना चाहिए कि पूरी जितनी भी सृष्टि में होता है, जितने भी पशु पक्षी हो रहे हैं, वो सुबह से शाम तक करते क्या हैं. हर पशु सुबह उठ के ना वो ब्रशिंग कुछ नहीं करता है. उसको पानी चाहिए तो पानी के पास जाता है, अन्न चाहिए इसलिए वो अन्न के पास जाता है.
एक फिर साल में या कभी एक समय आता है जब वो मैच्योर होके उसको रिप्रोड्यूस करना है, तो वो अपने मेट के लिए ढूंढता है, तो नर मादा के लिए ढूंढती है, मादा नर को ढूंढती है, और वो बच्चे पैदा करती है, बच्चे को संभालती है, और वो हमेशा अपने आप को बचाए रखती है कि कोई कहीं से उसको खा ना ले, प्रेडेटर जो है शत्रु उसको खा ना ले। बस इतना ही है पूरी दिन जो सन, ये पूछिए कि वो आपके घर में जो एक कुत्ता है उसको क्या चाहिए, बिल्ली है उसको क्या चाहिए, आदमी को भी वही चाहिए। तो हमको अन्न के लिए हमने कहा कि लेट्स डू सम हंटर गैदरिंग, यू नो हंटिंग, फिर हमने कुछ जैसे अभी जब गणपति पूजा होती है उसके बाद गणेश चतुर्थी होती है, उसके बाद एक ऋषि पंचमी होती है, ऋषि पंचमी के दिन हम वही चीज़ खाते हैं जो पहले ज़माने में हंट गैदरर्स जो गैदर करते हैं, कंदमूल की चीज़ें, कंदमूल स्टेम्स एंड रूट्स, कंदमूल तो कंदमूल खाते हैं, स्टेम्स एंड रूट्स खाते हैं, या कोई जो हंटिंग करता था तो वो मृग मांस खाता था, तो उसके बाद पूरे दिन करते क्या हो, व्हाट यू डू द होल डे, बिकॉज इफ योर फूड इज, फिर आप बोलोगे नहीं मुझे कपड़े चाहिए, बिकॉज कोल्ड कंट्रीज स्पेशली इंडियन कंट्रीज में कपड़े नहीं होंगे तो भी चलेगा, इसलिए आप अगर आप ओल्ड आर्ट देखो इंडिया का, वहाँ ज़्यादा कपड़े नहीं है, वो सिंपल एक कपड़ा यहाँ वहाँ डाल दिया, यू नो दैट्स इट, द क्लोथ्स डिडंट मैटर मच बिकॉज इट्स सो हॉट कंट्री, तो यू डोंट, विंटर में आपको थोड़ा गर्मी का कपड़ा चाहिए, तो जो केव्स में रहते हैं या फिर चमड़ा का कपड़ा, जैसे शिवजी चमड़े के कपड़े पहनते हैं, वो चमड़ा पहनते हैं, वो उनके यहाँ वो कपड़ा नहीं पहनते। सो यू स्टार्ट रियलाइजिंग स्टोरीज में कि कैसे वो बात करते हैं। सो व्हाट वी विल डू टुडे इज अ गेम दैट आई प्ले विद अ लॉट ऑफ पीपल, इट्स अ गेम, सो वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम टुडे, राइट? सो हाउ आर वी गोइंग टू प्ले अ गेम, तो आपको मुझे शिवजी का वर्णन देना है। आई एम गोइंग टू लुक एट योर मैसेजेस, होपफुली द स्पीड विल बी डिसेंट, बट वी विल डू ए स्टडी ऑफ शिवा, शिवजी की कहानी। यू नो मैंने ये किताब रखी है मेरे पास आज, यू नो आई हैड रिटन दिस बुक्स कॉल्ड सेवन सीक्रेट्स ऑफ शिवा, सेवन सीक्रेट्स ऑफ विष्णु एंड सेवन सीक्रेट्स ऑफ देवी, और इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। सो वी ज्वाइंड ऑल थ्री ऑफ देम, एंड इसके लिए क्या था कि लोग ज़्यादातर हम चित्र नहीं देखते, वी डोंट सी पिक्चर्स ऑफ, वी डोंट पे अटेंशन। सो टुडे आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन टू द इमेज ऑफ शिवजी, एंड देन बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम फाइव थिंग्स दैट इफ यू, अगर आपके घर में आपके बच्चा एक प्ले में काम कर रहा है, इफ इज पार्टिसिपेटिंग इन अ प्ले एंड यू वॉन्ट टू ड्रेस हिम एज शिवा, यू मस्ट हैव एटलीस्ट फाइव थिंग्स टू मेक हिम लुक लाइक शिवा, कैन यू टेल मी द फाइव थिंग्स सो दैट यू से हाँ अभी ये शिवजी जैसा लग रहा है, सो कैन यू टेल मी दोज फाइव थिंग्स। पांच चीज क्या होंगे, अगर हम शिवजी को दिखाना है, क्रेसेंट मून, सो देयर इज क्रेसेंट मून, फिर और क्या होता है, चंद्र, तो के ठीक है चंद्र हो गया, और क्या है, जटाधारी, तो जटा हो गया, वेरी गुड, जटा मिल गया, और फिर भभूत, तो ऐश, और क्या हुआ, ट्राइडेंट विद ड्रम्स, वेरी गुड, त्रिशूल और डमरू आ गया, और क्या चाहिए, एक और चीज, फिर देन शिवजी इज सॉर्ट ऑफ डन, लॉन्ग हेयर, जटाधारी हो गया, मैटेड हेयर, करेक्ट, विभूति हो गया, त्रिनेत्री हो गया, त्रिनेत्री थ्री आईज बना देंगे, ठीक है, और एक है उनका स्किन, ही विल वेयर इधर टाइगर स्किन और डियर स्किन और एलिफेंट स्किन, व्याघ्र चर्म, मृग चर्म या गज चर्म, गंगा, चलो गंगा भी बना देंगे उसमें, तो ये है, ये देखो, सो देयर इज चंद्र, चंद्र देखिए चंद्र है यहां पे, फिर जटा है, गंगा है, ये देखो थर्ड आय है, लेट मी जस्ट सी whether आई कैन शो इट बेटर, या टू मच लाइट, दिस इज बेटर, ये है टाइगर स्किन, और ये है ट्राइडेंट विद डमरू, ये है शिवजी के गुण, तो ये शिवजी हो गए।
अभी अगर आपको किसी को विष्णु का रूप देना है, विष्णु राम कृष्ण को कंबाइन करके राम कृष्ण विष्णु, तो आप पांच चीजें क्या होगी अगर आपको विष्णु बनाना है तो बच्चे को? फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है एंड यू वॉन्ट टू मेक द चाइल्ड, तो क्या दोगे उसको विष्णु के लिए? बोलिए, गले में सांप, दैट्स ट्रू। तो वो सब गुण तो हमने शिव जी के देख लिए, सी दीज आर द शिवाज क्वालिटीज दैट वी हैव डिसाइडेड, राइट। सो मैं कहाँ, यहाँ लगा दूँ? चलो, वी विल पुट इट हियर इंस्टेड ऑफ अ नोटिस बोर्ड, आई विल पुट इट ऑन माय चेस्ट। ये शिव जी के क्वालिटीज हैं। अभी विष्णु के बताइए। नाउ लेट्स गो वन बाय वन। विष्णु के सर में मून की जगह पे क्या है? विष्णु के सर पे देयर इज नो मून, देयर इज समथिंग एल्स, क्या है वो बताइए। विष्णु, अभी नाउ शिव जी इज ओवर, नाउ वी विल फोकस ऑन विष्णु, मतलब राम और कृष्ण। राम और कृष्ण, परशुराम भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉट परशुराम, लेट्स टेक द बिग वंस, कृष्णा एंड राम और विष्णु। अगर विष्णु को अगर बच्चे को डेकोरेट करना है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, तो आप सर पे ऊपर क्या चाहिए? यू विल नॉट पुट मून, वॉट विल यू पुट? अभी तक वी आर आई थिंक स्टिल इन द शिवा डेटा, इज कमिंग ओनली फॉर शिवा टिल नाउ, सो आई एम जस्ट वेटिंग टिल आई गेट द डेटा ऑन विष्णु। मेरा एक देयर इज अ लैग ऑफ 10 सेकंड्स, सो लेट्स सी। डमरू डमरू हो गया, स्नेक हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी इसका रहस्य हम नहीं खोलेंगे, वी विल ओपन दिस, वी विल मेक दिस डिस्कशन लेटर। ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग। अभी तक हम लोग तो एक, देखिए आई विल रिपीट दिस, देखिए कैन यू सी, देर इज मून, फिर गंगा, जटा, तीन नेत्र, विभूति, फिर सांप है, त्रिशूल है, डमरू है, जटा है और व्याघ चर्म। नाउ विष्णु, विष्णु 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 के गुण बताइए। लेदर, यस, हाइड रियली, नॉट लेदर, लेदर इज ट्रीटेड। अभी हम विष्णु की बात करेंगे, तो विष्णु को लेके, विष्णु को अगर हम देखें तो क्या क्या रूप आते हैं, बोलिए विष्णु। ओ माय गॉड, सो मेनी मैसेजेस ऑन शिव जी, विष्णु के मैसेजेस अभी तक आए नहीं है, क्यों पता नहीं, गैप है थोड़ा। मोर पंख, तो मतलब एक मुकुट होगा, मुकुट के ऊपर मोर पंख। सो नाउ विष्णु में मोर पंख आएगा। नो नो, लेट्स गो वन बाय वन। पहले सर के ऊपर, जस्ट लुक एट द सर के ऊपर जटा है, शिव जी का अगर जटा है तो विष्णु के क्या होंगे बताओ? विष्णु का जटा नहीं है तो क्या है, बोलिए। विष्णु इज फेमस फॉर हिज कर्ली हेयर, हिज कर्ली हेयर, ही हैज अ क्राउन ऑन हिज हेड एंड ही हैज कर्ली हेयर, वेरी फेमस फॉर हिज कर्ली हेयर, कर्ली हेयर। विष्णु के हमेशा कर्ली हेयर होते हैं, शिव जैसे क्राउन, वेरी गुड। फिर शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, इनके हाथ में क्या क्या है? शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, फिर फ्लूट है, बाण है, धनुष है, सॉरी धनुष है, बाण है, सो वेपन्स आर देयर, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वो हो गया। और शिव जी के हाथ में भभूत है, तो विष्णु के पास क्या है बताइए? विष्णु के पास क्या है? ब्लू स्किन, नहीं ब्लैक स्किन, ये ब्लू स्किन ड्रामा, श्याम रंग। शिव जी कर्पूर गौरंग व्हाइट और विष्णु इज ब्लैक, बांसुरी, बोलिए बोलिए, वैजंती माला, वेरी नाइस, वैजंती माला। तो एक माला होता है, वनमाला होता है, वनमाली, हम लोग कृष्ण को वनमाली बोलते हैं, मतलब वन के फूलों का माला है। नहीं, लेकिन उनको स्किन, स्किन के ऊपर अगर शिव जी भभूत डाले हुए हैं, उनके शरीर में ऐश, वी पुट ऐश ऑन शिव जी, देयर इज भभूत ऐश, तो विष्णु के शरीर पे क्या लगाएंगे, उनके अंग पे क्या लगाते हैं बताओ?
ऑर्नामेंट्स, नहीं 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 गंध, चंदन, चंदन लगाएंगे हमेशा, चंदन। सो चंदन लगाएंगे, चंदन का लेप लगाना इज द क्वालिटी चंदन। और फिर कपड़े क्या पहनते हैं, पीतांबर, पीतांबर मींस येलो सिल्क, सिल्क क्लॉथ, वो भी पीतांबर सिल्क, सिल्क होता है और येलो कलर रहता है। येलो कलर कैसे मिलता है पता है आपको? येलो कलर बनाने के लिए लोग पहले जमाने में आम के पत्ते गाय को देते थे, फिर काउ का जो यूरिन आता था उसको डिस्टिल करके जो निकलता था येलो डाई यूज्ड टू कम फ्रॉम इट। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अभी देखिए यहां पे विष्णु के चिन्ह हैं और यहां पे शिव जी के चिन्ह हैं। कैन यू टेल मी अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू इमेजेस? ये दो इमेजेस के बीच, एक तरफ भभूतधारी व्या गज चर्म पहना हुआ त्रिशूलधारी डमरूधारी और दूसरे तरफ पीतांबर पहने हुए मुकुटधारी मोरपंखधारी चक्रधारी पंचधारी, फर्क क्या है? दोन पावर नो, डेप्थ नहीं है, चलो डिटेल में जाओ, सोचो सोचो फर्क क्या है, वॉट इज द बिग डिफरेंस दैट यू सी? क्या फर्क दिखाई देता है, क्या दिखाई दे? प्रेजर्वर वर्ड, सी दीज आर ऑल कॉपी पेस्ट, सोचो सोचो, थिंक, लुक एट दिस एंड टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। इट इज रिलेटेड टू, मैंने जो कॉन्वर्सेशन पहले बताया था, इसमें फर्क क्या दिखाई दे रहा है, बोलो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू कैन सी? डिस्क्रिप्शन हो गया, डेटा हो गया, अभी एनालिसिस शुरू करो, स्टार्ट डूइंग एनालिसिस। डिस्क्रिप्शन हो गया, अभी इसका एनालिसिस करो। एनालिसिस करो, दिस इज स्टिल डेटा, आई एम स्टिल गेटिंग अ लॉट ऑफ डेटा, डेटा डेटा दैट इज गॉन। अभी एनालिसिस में चलिए, चलिए एनालिसिस फेज, इनफ ऑफ डेटा, डेटा इज डन, अभी एनालिसिस करो, ये पिक्चर के ऊपर दर्शन करो और बोलो दोनों में फर्क क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी भाव दिखाई दे रही है, व्हाट इज द मूड दैट इज बीइंग क्रिएटेड, व्हाट इज द मूड दैट इज बीइंग क्रिएटेड, कौन सा भाव, ये भाव कौन सा है और ये भाव कौन सा है, ये भाव कौन सा है और ये भाव कौन सा है, ये अलग भाव है, ये अलग भाव है, व्हाट लैंडस्केप कैन यू एसोसिएट विद दिस, कौन सा landscape can you associate with this, which landscape can you associate it with this, iska landscape kya hai aur iska landscape kya hai, iska mood kya hai, iska mood kya hai, batao। This is the most important thing to discuss, data ho gaya, abhi tak data aa raha hai, oh my god so much data on Vishnu, ho gaya ho gaya ho gaya ho gaya, शंख चक्र, देयर इज आयान, देयर इज सुपर्णा, सो मेनी पीपल आर कमेंटिंग, वेरी नाइस, बट नाउ द नेक्स्ट लेवल, फर्क क्या है, बोलिए फर्क क्या है, विच इज द मूड, भाव क्या है, रस क्या है, एंड व्हाट इज द जनरल एटमॉस्फियर, व्हाट इज द जनरल एटमॉस्फियर इन दोनों के बीच में, बोलिए गुड गुड गुड, इंफॉर्मेशन इज डन, लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट नाउ एनालिसिस, ओके आई विल गो अहेड एंड डू द एनालिसिस फॉर यू बिकॉज आई कांट वेट फॉर ऑल द कमेंट्स टू कम, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कमेंट्स। So, ये जब देखते हैं ना तो भाव आता है
तपस्वी का, दिस इज क्लियरली जंगल में रहने वाला तपस्वी, तपस्वी, क्योंकि वो जंगल में बैठते हैं, तो जंगल में जो बैठता है उसका बाल देखिए बरगद के रस से बना हुआ है। जब आप धुन्नी जलाते हो, धुन्नी, धुन्नी से जो राख निकलता है वो विभूति है। आप कपड़े क्या पहनते हो, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनके कपड़े पहनते हो, वलकल पहनते हो, और आपके पास आप डमरू क्यों रखते हो आपके पास, ताकि जानवर आपके पास नहीं आए, और आपके पास काटा होता है, त्रिशूल जो होता है टू कीप एनिमल्स अवे। तो आप जंगल में अगर आप जा रहे हो तो यही होगा आपका, जंगल में ये तपस्वी का रूप है, ये देखिए तपस्वी का रूप है ये। ऑल दीज आर साइंस ऑफ अ तपस्वी, जो जंगल में रहता है, प्रकृति में रहता है। सी दिस लंबे लंबे बाल, बिकॉज ही इज नॉट कटिंग हिज हेयर, तो बाल को वो बांध के रखता है बरगद के रस से, दैट इज बरगद का रस इज बैनियन ट्री जूस, एंड यू मेक ड्रेडलॉक्स, दीज आर कॉल्ड ड्रेडलॉक्स। और फिर जो भी राख होता है, धुन्नी लगाते हैं, व्हाई डू यू पुट फायर, बिकॉज यू वांट टू कीप एनिमल्स अवे। हाउ डू यू कीप एनिमल्स अवे, डमरू होता है, डमरू से टक 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 करोगे तो एनिमल्स विल रन अवे, एंड यू हैव गॉट दीज त्रिशूल, त्रिशूल होता है जानवरों को दूर रखने के लिए। और तो ये लुक एट द एंटायर थिंग इज जंगल में रहने वाला तपस्वी का रूप है ये। ये गृहस्थ जीवन का आदमी नहीं है, ये जंगल में रहने वाला आदमी है। देखो जंगली, पूरा जंगली है ये। और अगर इसको देखें, ये नगर में रहने वाला आदमी है, ग्राम में रहने वाला आदमी है, क्योंकि मुकुट बनाने के लिए, इफ यू वांट टू मेक अ क्राउन, आपको यू नीड समवन, वो गोल्ड निकालने के लिए यू नीड अ माइनर, फिर गोल्ड हैज टू बी देन प्यूरिफाइड, और आयन गोल्ड ओर से टू मेक इट गोल्ड, यू नीड एन इंडस्ट्री, देन यू नीड अ सुनार चाहिए मुकुट बनाने के लिए, सो सुनार चाहिए मुकुट बनाने के लिए, फिर आपको चाहिए, यू नीड अ वीवर टू मेक द पीताम्बर क्लॉथ, तो स्पिनिंग इंडस्ट्री, डाइंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, सब यहां दिखाई देता है। देखिए you have, it means manufacturing, so suddenly this represents a very different world, ye dikhta hai of nagar ya gram ka ek vyakti hai jo gram mein rehta hai, gaon mein rehta hai, and is associated with industry, farming, weaving, smelting, metal works, यहाँ पे श्रृंगार इंपॉर्टेंट है, माधुर्य भाव इंपॉर्टेंट है, शंख इज मेंट, इट्स अ वेरी सिविलाइज्ड वे ऑफ इनवाइटिंग, शंख को मतलब समुंदर से शंख निकाल के आप उसको ट्रम्पेट बनाते हो। रिमेंबर कॉन्च शेल इज अवेलेबल नियर द सी, बट हम जब कृष्ण की बात करते हैं तो इसलिए हम बोलते हैं द्वारका में जब गए तो उसके बाद उनके हाथ में पांचजन्य आता है, इसके पहले पांचजन्य नहीं आता है। पूरी गंगा घाटी में शंख नहीं मिलेगा। सो लुक एट दिस, सो एक जगह पे एक तपस्वी है जो जंगल में रहता है, और दूसरा है जो नगर में रहता है। नगर का आदमी कपड़ा पहना हुआ है, गहना डाला हुआ है, और जो जंगल का आदमी है वो भस्म डाला हुआ है और चमड़ा पहना हुआ है। So this is a very in a man who lives in the forest, and this is a person who lives in the city. This is the big difference. Second difference, the difference that you see is with Shivji you will see Rudraksha. Rudraksha is a seed, and with Vishnu you will see flowers and leaves. So lotus flower, champak flower, tulsi leaves. So in one place you have the seed, in the other place you have fruit and leaves. See the difference between the two. One represents potential, the other represents realization of the potential. So isko hum har kehte hain, se hari kehte hain. Har,
एंड हरि. हर इज द सीड, हरि इज द फ्रूट. हर का मतलब बीज और हरि का मतलब अंकुर या फल, फूल, व्यक्त हुआ हुआ चीज. सो दिस इज दैट विच हैज नॉट टेकन फॉर्म. अभी तक ये प्रिमिटिव फॉर्म में है. पोटेंशियल एनर्जीज को बोलते हैं. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हाउ यू सेपरेट द टू. तो रूप के माध्यम से, एक रूप के माध्यम से वो एक विचार व्यक्त कर रहे हैं. दैट विचार व्यक्त करना, तो विचार को व्यक्त करने के लिए इन्होंने रूप दिया है. तो इंडियंस यूज्ड द फॉर्म टू कम्युनिकेट आइडियाज. सो व्हेन यू रीड, यू नो, द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुइज्म बिगिन्स विद द सामवेद, बिकॉज सामवेद में जितने भी ऋग्वेद के श्लोक हैं उनको स्वरबद्ध किया गया है. इट हैज बीन गिवन अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक, और दिस म्यूजिक इज डिवाइडेड इनटू जंगल का म्यूजिक और नगर का म्यूजिक, आरण्य गान और नगर के गाने. ये फंडामेंटल डिवाइड है बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द फील्ड. फॉरेस्ट इज जहां पे शिव जी रहते हैं, फील्ड इज वेयर विष्णु रहते हैं. तो विष्णु के साथ हम ऑक्यूपेशंस देखते हैं, राम राजा है, कृष्ण ग्वाला है, कृष्ण सारथी है. तो नगर व्यवस्था दिखाई देती है, ग्राम व्यवस्था दिखाई देती है. गांव, गोकुल इज अ गांव, मथुरा इज अ सिटी, द्वारका इज अ सिटी, अयोध्या इज अ सिटी. लेकिन जब हम शिवजी की बात करते हैं हम हमेशा कहेंगे कि वो पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, कैलाश पर्वत पे, जहां पे कुछ उगता नहीं है. सो दिस फंडामेंटल डिविजन दैट यू सी बिटवीन शिवा एंड विष्णु इज द वैल्यू प्लेस्ड बिटवीन द जंगल तपस्वी दुनिया और नगर वाली दुनिया. ये जो टेंशन है. दूसरा बात देखिए, अगर आपको विभूति लगाना है या राख, यू विल टेक अ स्टिक एंड यू विल बर्न इट ऑन फायर. फायर लगा दिया, हो गया. You don't have to do any work. आग लगा दिया, हो गया. अभी राख, राज, if it's a dead body का राख, plant का राख, वो दिखता वैसे ही है ना. If a tree is burnt, it looks the same. If an animal is burnt, it looks the same. So जो बचा कुचा राख को अगर देखो, so it looks like anybody's राख. ये ब्राह्मण का राख एक जैसा है, चांडाल का राख एक जैसा है, पशु का राख एक जैसा है, सभी राख एक जैसे लगते हैं. तो ये आत्मा का चिन्ह बन गया. इट बिकम्स द फॉर्म ऑफ द सोल. तो शिव जी राख पहन के घूम रहे हैं, चारों तरफ राख पहन के वो रस्ते में जाते हैं. इसलिए उन्हें विभूतिनाथ कहते हैं, कि वो बोलते हैं कि लास्ट में आपको यही बनना है. सो ही फोकसेस ऑन द फाउंडेशनल एस्पेक्ट. इसलिए आत्मज्ञान के बारे में ज्यादा. तो जब हम शिव की कहानी पढ़ते हैं, तो शिव की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ज्यादातर आत्मज्ञान की बातें होंगी, फाउंडेशनल थिंग्स. शिवजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स. ही टॉक्स अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ इज अबाउट डिस्कवरिंग आत्मा. तो ये है एक फंडामेंटल शिवा की स्टोरी. विष्णु के साथ हम देखें तो देखो, चंदन बनाने के लिए आपको एक लकड़ी चाहिए और पानी चाहिए. तो विभूति बनाने के लिए आपको आग चाहिए, फायर चाहिए, और चंदन बनाने के लिए आपको पानी चाहिए. तो शिवजी के साथ हम आग जोड़ते हैं और विष्णु के साथ हम पानी जोड़ते हैं. सी द डिफरेंस. शिवजी के साथ फायर, विष्णु के साथ पानी. सी द डिफरेंस. तो शिवजी के साथ माउंट कैलाश एंड फायर, और विष्णु के साथ वी विल ऑलवेज हैव पानी, विच इज दिस वॉटर. दिस इज ऑल्सो द शेप ऑफ द कॉन्च शेल. शंख भी देखो ऐसे ही रखते हैं हम लोग. शंख इज ऑलवेज अप डाउन. तो एक ऐसा और एक ऐसा. तो ये हुआ आपका हर,
और ये हुआ आपका हरि। वॉटर फायर, ये हुआ आपका हरि और ये हुआ आपका हर। हर एंड हरि। सो सडनली वी सी विष्णु के साथ हम वी सी द साइन ऑफ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो शिव की पत्नी का रूप क्या है? शिव की पत्नी शक्ति का रूप, प्राइमल फॉर्म इज महाकाली, और विष्णु के साथ हम लक्ष्मी जोड़ेंगे। महाकाली इज वाइल्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड, और लक्ष्मी हमेशा साड़ी, गहने, अन्न, बच्चे, फैमिली। तो ये डिस्टेंस दिखता है कि एक जगह विलास और एक जगह वैराग्य। एक्सलेंट, एक सन्यासी है, एक गृहस्थी है। बट स्टोरी गेट्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, सो इट इज नॉट फिनिश्ड। इतना सिंपल से बात शुरू हुआ है, एक जगह वैरागी है, एक जगह गृहस्थी है, एक जगह विलासी है, एक जगह वैरागी है। तो वी आर सीइंग द टेंशन, दो चीजें हैं लाइफ में। तो अभी अभी देखो आप, वी आर ऑल इन द लॉकडाउन फेज। सो लॉकडाउन फेज में व्हाट डू यू वांट टू बी, वैरागी और विलासी? तो अगर आप घर में बैठ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आर यू डूइंग हेल्थ, ध्यान कर रहे हो? हाउ मेनी पीपल आर डूइंग ध्यान, प्राणायाम, योगा, वन आवर ऑफ ध्यान, वन आवर ऑफ प्राणायाम, वन आवर ऑफ योगा, वन आवर ऑफ जिमिंग? और वी आर डूइंग विलास, टीवी देखो, टाइम पास करो, यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो, नेटफ्लिक्स देखो, एंजॉय करो, खाना खाओ, लेटो, एंजॉय करो, फैमिली के साथ बात करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एसएमएस में बात करो। सो दोनों का विच इज, व्हाट इज बेटर, व्हाट इज मोर फन? बोलो, क्या फोकस है आपकी जिंदगी का? 24/7 जब आप कर रहे हो, कितने समय आप वैराग की बात सोचते हो और कितने समय आप गृहस्थ के बारे में सोचते हो? कभी अंदर की बात, कभी बाहर की बात। Are you focused on yourself or are you focused on people around you? जो बैरागी है, in Hindu philosophy is considered very selfish. Hindu philosophy में जो बैराग है, क्योंकि वो अपने बारे में सोचता है, he is self-actualization. Me, 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 me. जो गृहस्थी है वो family के बारे में सोचता है। So अभी बताओ क्या चाहिए आपको? बस जो वैरागी है वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता है ना, वो अपने बारे में सोचता है, वो मस्त मौला होता है। That is why all young people like Shivji, because कुछ responsibility नहीं है, मेरे को नहीं काम करना है, मैं पूरा दिन अपना गांजा पी के बैठा रहूंगा, घूमता रहूंगा, relaxed, पूरा relaxed, कोई tension नहीं life में, मुझे खाना नहीं है। और दूसरी है विष्णु, is like नहीं नहीं काम करना है, घर संभालना है, रासलीला करना है, कुरुक्षेत्र करना है, वनवास जाना है, राम राज्य को मैनेज करना है। तो जो वर्क फ्रॉम होम एंड यू हैव टू डू द कुकिंग एंड द क्लीनिंग एंड द शॉपिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड देन यू हैव टू मेक पीपल हैप्पी एंड यू हैव टू एंटरटेन पीपल एंड। तो क्या चाहिए? शिव जी बोलेंगे कि ये सब छोड़ दो, सब माया है, खाना नहीं मिला तो भी ठीक है, वी मस्ट नॉट ईट ओनली, वाई शुड वी ईट? जो कुछ भूखा सूखा मिला, कुछ फल ले आओ, मिला तो मिला, नहीं मिला तो भूखे रह जाएंगे, गांजा पी लेंगे, क्या बड़ी बात है? तो शिवजी तो गांजा लेते हैं, उनको तो गांजा पसंद है, वो भांग ले लेते हैं, नहीं मिला तो भी चलेगा, उसको विष भी दे देंगे तो हला हल का जहर भी पी लेते हैं,
उनको कुछ पड़ी नहीं है, दूध दे दो या जहर दे दो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भैरव जी को आप क्या देते हो, दिल्ली के मंदिर में अगर आप भैरव के पास जाओगे तो वहां पे शराब देते हो, तो वो घर के वाले नहीं है, उनको गृहस्थी नहीं चाहिए, वो बोलेंगे मैं वैरागी होंगे। नाउ यू आस्क, अगर आप लॉकडाउन में हो, विच इज बेटर, बैराग, बैराग में अच्छा लगता है या पार्टिसिपेट करने में? तो कभी कभी दिस इज द थिंग। नाउ नाउ लेट्स गो टू द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। शिव की स्टोरी इज ऑलवेज अबाउट शिवाज मैरिज। शिव के बारे में हमेशा कहेंगे कि शक्ति के साथ वो कैलाश पर्वत से काशी आते हैं, वो शादी करेंगे। आप शिव जी का हमेशा फोटो देखोगे, हस्बैंड वाइफ टू चिल्ड्रन, शिव शक्ति गणेश जी और कार्तिकेय, पूरा फैमिली फोटोग्राफ मिलेगा आपको। कभी आपने कृष्ण का फैमिली फोटोग्राफ देखा है, कृष्ण को अपने पत्नी और बच्चों के साथ फोटो देखा है? आपने कभी राम और अपनी उनके बच्चों के साथ फोटो कभी देखा है? राम सीता भाइयों के साथ फोटो है, लेकिन लव कुश शिव पार्वती सॉरी राम और सीता का फोटो हम नहीं देखे हैं। कभी विष्णु लक्ष्मी और विष्णु के बच्चे का नाम कभी आपको पता है, विष्णु के बच्चे क्या है? कोई भी मंदिर में नहीं दिखाई देगा। तो कभी भी आपको कृष्ण के फैमिली फोटो नहीं मिलेगा, विष्णु के फैमिली फोटो नहीं मिलेगा, राम का फैमिली फोटो नहीं मिलेगा, लेकिन फैमिली फोटो हमेशा शिव जी के मिलेगा। तो बैरागी का फैमिली फोटो और फैमिली मैन का फैमिली फोटो नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बैरागी गृहस्थी बनता है और गृहस्थी बैरागी बनता है। दिस इज हाउ दे आर शोइंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द टू थिंग्स, द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द टू थिंग्स। तो शिव जी हमेशा कहेंगे कि उनकी शादी की बात होती है, बच्चों की बात होती है। शिव पुराण में केवल उनकी शादी और बच्चों के बारे में बात करेंगे। गंगा आती है स्वर्ग से, गंगा अवतरण, जिसके कारण लोगों का पुनर्जन्म होता है। तो हमेशा उनकी जो कहानी है, इट इज ऑलवेज अ मिक्स ऑफ द टू। सो जो तपस्वी है, जो जंगल में रहता है, वो नगर में आता है, और जो नगर में रहता है वो जंगल जाता है। इसलिए रामायण की कहानी में राम हमेशा जंगल में जाके तपस्वी बनेंगे, पांडव हमेशा जंगल भी बनेंगे। का बैलेंसिंग, जैसे चाइनीज का वो यिंग यांग सिंबल होता है ना, तो यिंग यांग सिंबल इज अ नाइस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हर हरि। तो हर हरि वैराग और वैराग में गृहस्थ दोनों चाहिए हमें। दिस इज वॉट द पाथ इज, कि बैलेंस है। बिकॉज शिवजी पहले जो तपस्वी होते हैं वो आंख बंद करते हैं, और पार्वती कहती है कि आंख बंद करने से दुनिया नहीं चलेगा, आपको दर्शन करना है, आपको आंखें खोलनी है। और विष्णु जो है वो जो आंख खोले हुए हैं वो आंख बंद करते हैं। दिस इज द टेंशन। इसलिए शिव हमेशा विष्णु कहेंगे कि मत करो। उनके पास देखिए फूल है, वनमाली है, तुलसी माला है, लोटस फ्लावर है, और बोलेंगे फल की चिंता मत करो। और शिवजी जो है वो भोग विलास के तरफ जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि नाचना है, नटराज है, म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हैं, डांस के जुड़े हुए हैं, के साथ जुड़े हुए हैं। Stories are there. Yeah, but have you ever seen a photograph of Krishna with Pradyumna in any temple? In no temple will you find Shiv ke, agar Shiv ke mandir mein jaoge to hamesha bagal mein Ganesh ji ki murti hogi, Kartik ki murti hogi. Krishna ke mandir mein jaoge to unki patni bhi nahi hoti hai unke saath, wo Radha ki murti hoti hai. Tirupati mandir mein unke side mein Lakshmi nahi hogi, Lakshmi hamesha bahar rahegi. नाथ द्वारा में आपको राधा नहीं दिखाई देगा, आप उडुपी मंदिर में जाओ यहां पर यशोदा नहीं दिखाई देगी। तो यू नेवर फाइंड। सो दिस
The scriptures have a consistency. Forest and field. Remember I told you, mythology ka explanation is about the world and your life. The world is either the jungle or the nagar. Prakriti, sanskriti. Aur apne bare mein, pashu ya purush. Pashu ya purush. So kya apne bare mein soch rahe ho ya dusron ke bare mein soch rahe ho? Pashu vyavahar is apne bare mein sochna. पुरुष व्यवहार इस दूसरों के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना इस तपस्या, दूसरों speed has dropped. Yes. I'm afraid the speed has gone. For some mysterious reason, speed is very slow. It has dropped completely. Speed is down. Yes, it's gone. Connection, unfortunately, guys, is very bad. Speed has just dropped, completely dropped. So, there's nothing I can do. Anyway, I think then I'll end the session. I'll end the session because there's nothing I can do. So anyway, see you tomorrow at the same time. 4 o'clock. Do subscribe to the channel. Hopefully tomorrow this... the session, it's got better. No, it's got bad again. So anyway, it's bad. So we'll continue tomorrow. Thank you very much. Today we discussed Harihara. We went into the details of Harihara. And I'm glad you enjoyed it. And tomorrow we will come at the same time and discuss more on more things from me. So subscribe to my channel, and tomorrow is Akshaya Tritiya, so enjoy yourself. And for all my Muslim friends, happy Ramadan, or Ramzan as they say. Ramzan is Persian and Ramadan is Arabic. So kal ke tak namaskar, see you tomorrow at 4 o'clock.